गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कमलेश कुंबर, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम सभी अध्याय सात, जिसका नाम है कंप्यूटर, उसकी जितनी भी बुक में एक्सरसाइजेस चैप्टर की, वो हम किताब में ही भरेंगे। सबसे पहले आप वर्क स्टार्ट करने से पहले आज की तारीख 9/9/2020 डालेंगे और ऑनलाइन कक्षा कार्य भी लिखेंगे। इसके साथ ही साथ आपको प्रत्येक पेज पर अपना नाम भी लिखना है। अब हमारी एक्सरसाइज खा है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, इसमें आपको जो भी करेक्ट वर्ड आएगा, जो सही शब्द होगा, वो आपको लिखना है। पहला है हमारा आधुनिक को, युग को डैश युग भी कहा जाता है। आधुनिक युग को हम और क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर दो, डैश की सहायता से कंप्यूटर को आदेश देते हैं हम। किसकी सहायता से कंप्यूटर को आदेश देते हैं, वो आपको लिखना है। नंबर तीन, शुरू में कंप्यूटर का आकार काफ़ी डैश होता था। शुरू में कंप्यूटर का आकार कैसा होता था, ये आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर चार, बच्चों के मनोरंजन के लिए तो कंप्यूटर ने ही मचा दिया है। यहाँ पर जो भी आएगा वो आपको लिखना है। नंबर पाँच, कंप्यूटर पूर्णतः डैश पर आधारित है। कंप्यूटर किस पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अगर आप भूल गए तो दोबारा उसे पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। प्लस जितना भी हमने वर्क कॉपी में कराया है, उसे आप लर्न कीजिए, देखिए, उसके बाद बुक फिलिंग कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एक्सरसाइज गा, सही कथन पर सा तथा गलत कथन पर गा लिखिए। आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए, आपको लगता है ये सही है तो उसके आगे सा लिख दीजिए, अगर आपको लगता है ये गलत है तो उसके आगे का लिख दीजिए। पहला है, आज मनुष्य विज्ञान के बल पर असीमित शक्ति का स्वामी बन बैठा है। आपको लगता है अगर ये बात के सही है तो आप सा लिखेंगे, आपको लगता है ये गलत है तो फिर गा लिखेंगे। नंबर दो, CPU अत्यंत धीमी गति से सूचनाओं की जांच करता है। आपको लगता है जो CPU है, अगर आप उसमें कुछ चेक करते तो बहुत स्लो करता है, तो आप यहाँ पर सा लिखिए। अगर आपको लगता है नहीं, तो यहाँ पर आप गा लिखिए। नंबर तीन, कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। जो कंप्यूटर है वो हमारे एजुकेशन के फील्ड में कोई भी रोल नहीं निभाता या उसकी कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। आपको लगता है तो सा लिखिए, नहीं लगता है तो फिर गा। नंबर चार, कंप्यूटर की सहायता से रेल तथा वायु सेवाओं में आरक्षण होता है। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, हम कहीं जाते हैं तो पहले से अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं, तो ये कंप्यूटर के माध्यम से होता है, तो आप यहाँ पर सा लिखिए, नहीं होता है तो फिर गा। नंबर पाँच, कंप्यूटर का मशीनी मस्तिष्क मानव मस्तिष्क जैसा बिल्कुल नहीं बन सकता। आपको लगता है कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो मानव मस्तिष्क जैसा नहीं बन सकता, तो यहाँ पर लिखिए सा। अगर आपको लगता है नहीं, हाँ, तो आप लिखिए यहाँ पर गा। एक्सरसाइज गा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से जो भी सही है बस उसी के आगे टिक लगाएंगे, बाकी सबको एज इट छोड़ देंगे। नंबर वन, कंप्यूटर का निर्माण किया था। कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने या बिल गेट्स ने, जिसने भी किया उसके आगे आप राइट सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर दो, कंप्यूटर चलता है, बिजली से चलता है, पानी से या फिर ईंधन से, जिससे भी चलता है उसके आगे आप टिक लगाएंगे। नंबर तीन, कंप्यूटर का टीवी स्क्रीन जैसा भाग है। जो कंप्यूटर है उसका टीवी स्क्रीन जैसे भाग को हम क्या कहेंगे, प्रिंटर कहेंगे, मॉनिटर कहेंगे या फिर CPU। नंबर चार, इसे चलता फिरता कंप्यूटर भी कहते हैं। किसे कहते हैं चलता फिरता कंप्यूटर, कैलकुलेटर को, CPU को या फिर लैपटॉप को। नंबर पाँच, रोबोट है। रोबोट क्या है, आधुनिक मानव, कृत्रिम मानव या फिर कंप्यूटरी मानव, जो भी सही है उस पर आप टिक करेंगे। अब एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज का हमारे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब आधुनिक का जो विलोम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, फिर जो सीमित का विलोम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, शक्ति का विलोम लिखना है, अनोखी का विलोम लिखना है। नंबर फाइव, आपको नंबर फाइव पर क्रॉस लगाना है, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। नंबर सिक्स के आगे भी आपको क्रॉस लगाना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। नंबर सात का आपको विलोम लिखना है, नंबर आठ के आगे आपको क्रॉस लगाना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, उसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्रॉस लगा के। फिर नंबर नौ, आसानी का आपको विलोम लिखना है, प्रगति का भी आपको विलोम लिखना है। एक्सरसाइज का, निम्नलिखित वाक्यों को सही करके लिखिए।
जो आपके यहाँ पर सेंटेंस है, वाक्य दिए हों, उसमें कुछ ना कुछ गलती है, उसे आपको सुधार कर उसे सही से लिखना है। नंबर एक, कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर का आदेश देती हूँ, तो आपको इस वाक्य को सही से दोबारा लिखना है। नंबर दो, शुरू में कंप्यूटर काफ़ी कम शक्तिशाली होती थी, जो भी आपको इसमें लग रहा है कि ये मिस्टेक्स है उसे इम्प्रूव कीजिए और दोबारा उसे लिखिए। नंबर तीन, छोटी कंप्यूटर बैटरी से भी चलती है, इसे सही कीजिए और दोबारा लिखिए। नंबर चार, अभिभावकों का बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर पाँच, आने वाली युग कंप्यूटर का ही युग होगी। अब इन वाक्यों में जो भी मिस्टेक्स है आप उसे इम्प्रूव कीजिए और दोबारा उसे लिखिए। धन्यवाद।